वी लुकअप जैसे कि हमने बताया था वर्टिकल लुकअप, तो उसमें एक दो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि लेफ्ट से राइट चलता है। तो लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास ऐसा डेटा होना चाहिए जिसका जिसमें जो यूनिक आईडी है वो यूनिक आईडी सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो डेटा का जो यूनिक आईडी है वो आपका स्टार्ट में होना चाहिए ना हो तो। चलिए हम एग्जांपल देते हैं। आप चलिए यहां पे डेटा को लिया हमने, तो ये हमने अपनी डेटा को कॉपी कर लिया, तो इसमें मेरा जो यूनिक आईडी है वो एस आईडी है। मान लीजिए कि अगर यूनिक आईडी आपको स्टार्टिंग में ना होके अगर ये यहाँ पे होता और यूनिक आईडी में चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं ट्रिपल वन करके कर देता, मैं यहाँ पे 113 कर दिया और यहाँ पे क्वांटिटी कर देता हूँ, मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। यहाँ सॉरी यहाँ से करना होगा सही से एंड कॉमा, हम यहाँ पे 2 एंड कॉमा 0 कर देते। यहाँ पे देखिए 5 आ जा रहा है, पीआईडी हमारा 5, क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी में हमारा क्या होगा 3 होगा, 3 4। हाँ मैं यहाँ पे 4 देता हूँ तो ये आपको क्वांटिटी आ जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे इसमें चाहिए नेम, तो नेम नहीं आएगा क्योंकि वी लुकअप कभी भी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट चलेगा, मतलब जहां सिलेक्शन करेंगे उसी की पहले ही कॉलर में ही वो अपना रिजल्ट ढूंढेगा, उससे पीछे के कॉलर में रिजल्ट नहीं ढूंढेगा। तो इसके लिए क्या करें, चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं क्या करने में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मैच का, हम मैच फॉर्मूला को लेते हैं, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और हम एक पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू में हमने जो पूरा एरिया लिया ये गलत है, पूरा एरिया नहीं, लुकअप वैल्यू में हमें देना होता है एक रो या एक कॉलम, एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये पूरे डेटा में नहीं ढूंढता, आपको डेटा को नहीं शो करता, वो बताता है कि ये जो डेटा है वो उस रेंज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो उसका रो इंडेक्स नंबर ढूंढ के देगा। और लास्ट लास्ट क्लास में मैंने इसकी जिक्र की थी आपके साथ, इसने बताया कि 113 जो है चौथे नंबर रो में है, तो इसे चौथे नंबर रो कैसे दिखाया, 1 2 3 4, ए फोर यहां पर रोल नंबर जो 4 है ए नहीं, एक काउंटिंग 4 दिखाता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है इंडेक्स का, इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और रो इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए रो काउंट के बताइए कि मुझे चौथे नंबर पे चाहिए और कॉलम होगा 1 2 3 4 3, हाँ 3, तो यहां पे मैंने दे दिया 4 कॉमा 3, तो मुझे यहां इसका नाम योगेश आ जाएगा। तो ये जो 4 है इस 4 को हम मैच से लिंक कर देंगे तो हमारा वी लुकअप की तरह वर्क करेगा कि मैं 112 करूं, 112 करूं तो उसका रिजल्ट, 122 करूं तो उसका रिजल्ट यहां आ जाएगा। यहां हम इसको पेस्ट करते हैं। तो वी लुकअप की तरह वर्क करेगा जब हम इंडेक्स को मैच, इंडेक्स और मैच आपस में मिला देंगे। समझ में आया कुंदन जी, तोशनैन जी? जी जी समझ में आ गया। कोई डाउट इसमें? नो नो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आपके पूरी डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑफसेट, ऑफसेट जो कि इंडेक्स की अल्टरनेटिव होता है,
हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला कि इसकी रो रो हमने दिया 5 एंड कॉलम दिया हमने 3 रिजल्ट, लेकिन इसने रिजल्ट में 36 कर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स से एक कम लेता है। इंडेक्स पे आपने 3 दिया था तो इसमें आपको 2 देना होगा और 5 देंगे तो यहाँ पे एक कम 4 देना होगा, तब जाके आपको इनाम देना है। तो ऑफसेट में भी मैच की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैच की रिजल्ट जो निकलता है उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफसेट की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, लेकिन ऑफसेट करता है 1 2 3। तो जो ऑफसेट इसके लिए सॉरी इंडेक्स करता है 1 2 3 और ऑफसेट करता है 0 1 2 3। तो जो इंडेक्स का 3 होगा वो ऑफसेट का 2 होगा, क्योंकि वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट किया है। इसलिए आप जब भी ऑफसेट लगाएं तो उसमें मैच की रिजल्ट में एक माइनस कर दें, कॉलम भी एक कम डाल। ऑफसेट से फायदा क्या हुआ कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना पड़ा। तो इसने यहां से लिया 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, यही T2 को इसने शो कर दिया। तो क्लियर है ऑफसेट फॉर्मूला। तो आप वी लुकअप की जगह पे इंडेक्स मैच को लगा सकते हैं या फिर ऑफसेट मैच को यूज कर सकते हैं, दोनों को आप इसमें यूज कर सकते हैं जो आपकी सहूलियत हो। ऑफसेट का और एक एग्जांपल दिखा देंगे क्या? ऑफसेट का एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अभी आगे बताते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने इस डेटा को उठाया और हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो इसमें क्या हुआ कि हमारी जो यूनिक आईडी थी वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रह गई। अब मुझे यहाँ पे 116 का क्वांटिटी चाहिए, तो वी लुकअप तो काम करेगा ना इसमें। इसमें हम एच लुकअप का फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल लुकअप है, सो हम यूज करेंगे एच लुकअप। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने पूरा टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा 1 2 3 4 कॉमा 0। तो वी लुकअप में क्या होता है कि डेटा हम वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं, एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करते हैं। वी लुकअप में हम कॉलम को काउंट करते हैं, एच लुकअप में हम रो को काउंट करते हैं और रिजल्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन हम एच लुकअप का जो काम है वो हम मैच इंडेक्स से भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले मैच का फॉर्मूला लगाता हूं, किसमें? क्योंकि मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है। हमने यहाँ पे दे दिया तो हमने इसे बता दिया कि मैच 7वें नंबर कॉलम पे है। अब मैं यहाँ इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके और बोलूंगा कि 4था नंबर रो एंड 7वां नंबर कॉलम। डेटा आपके सामने, मैं इस मैच फॉर्मूला को यहां से कॉपी कर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूं जो हमारा C12। अब जब इंडेक्स से हो सकती है तो इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है कि पूरी डेटा को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो हम इसमें ऑफसेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमने लगाया ऑफसेट और हमने एक रेफरेंस दे दिया इसको कॉमा। अब बताते हैं रो नंबर, तो रो नंबर तो हमें पता है 0 1 2 3, हमने इंडेक्स में 4 दिया था इसलिए इसमें 3 देंगे। अब बात करते हैं कॉलम, तो कॉलम जो है मैच की रिजल्ट को माइनस कर देंगे 1 से और रिजल्ट हमारे सामने हो गया। अब मैं इस मैच की फॉर्मूला को कॉपी करके C12 के जगह पे पेस्ट कर देता हूं। समझ में आया ऑफसेट या और बताओ? नहीं नहीं आ गया, क्लियर है? हाँ हाँ। अब चलिए ऑफसेट का एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है? उसके लिए हम यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डेटा में से कुछ डेटा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेम को और हम क्वांटिटी को लेते हैं। एक फॉर्मूला हमारा होता है रैंक का, एक फॉर्मूला होता है
रैंक का। रैंक मतलब कि मुझे ये पता करना है कि सबसे फर्स्ट इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, तो हम यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। ये नंबर मतलब कि फर्स्ट पे, तो किसने फर्स्ट किया ये पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगा के इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर रैंक दिया कि मुझे पता करना है कि 18 का रैंक क्या है, तो हमने यहां पे रैंक फॉर्मूला लगाया, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, हम टॉप फाइव यहां देना चाहते थे, सॉरी गलती, मैं यहां पे टॉप फाइव यहां पे देना चाहता हूं सेल्स की, 1 2 3 4। तो इसमें से हम लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि इसमें से हाईएस्ट इसको दे कौन है बता दो, तो 90 आ गया आपके सामने, सारा 90 ही आया, तो मैं इसको एक काम करता हूं, ये हमारे टॉपर्स दिख रहे हैं। देखिए मुझे इसके नाम भी चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं पता करूंगा कि इसमें से इसका इन सबों का रो नंबर क्या है, और फिर मैं यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि भाई इसमें से 24-1 रो एंड कॉलन हम बोल देंगे कि इसका कॉलन होना चाहिए 0, तो नेम आ जाए। सर जी जी क्लियर है, तो आप इसकी प्रैक्टिस की, कल हम बात करेंगे वीलुकअप की ट्रिक्स के ऊपर, ओके वीलुकअप ट्रिक्स के ऊपर हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। गुड नाइट।